नमस्कार मित्रों, देखिए प्रकृति की रमणीय वादियों के बीच आज हम आपको ले आए हैं बलभद्र खलंगा युद्ध स्मारक नाला पानी देहरादून उत्तराखंड के अंदर, जो कि सन 1814 का स्मारक है। उस वक्त जो गोरखा के साथ जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में विजय पाने के कारण ये स्मारक का निर्माण किया गया। और ये स्मारक हमारे सम्मुख आप देख पा रहे हैं बहुत आसानी से। और आइए इसके विवरण पर आपको एक बार नज़र डाल दें। आप जैसा पढ़ सकते हैं किस तरीके से इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि एक वॉर मेमोरियल है, और खलंगा के युद्ध के बाद उसके सम्मान में इसका निर्माण कराया गया है। और जो सुप्रीम सेक्रीफाइस थे यहाँ पे गोरखा सोल्जर्स, वोमेन और चिल्ड्रन, उस युद्ध के दौरान अक्टूबर नवंबर 1814 में जो उन्होंने दिया था, उसमें उसका एक स्मारक यहाँ पे आपके बीच में आप देख पा रहे हैं। और अंत में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ये ट्राइब्यूट टू बलभद्र एंड हिज स्पिरिटेड फाइटर्स बाय बलभद्र खलंगा विकास समिति खलंगा बैटल फील्ड नाला पानी देहरादून। तो किस तरीके से यहाँ पे कितने लोग शहीद हुए थे और किस तरीके के युद्ध का वर्णन है यहाँ पर आपने देखा। आइए आपको स्मारक से एक बार पुनः रूबरू करवाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ भीतर, और ये ऊंचा स्मारक, इसके ऊपर आप इनके प्रतीक चिन्हों को देख सकते हैं किस तरीके से प्रतीक चिन्ह यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। और बेहतरीन स्थल यहाँ पे, और साथ में आपको यहाँ पे संगीत की कुछ ध्वनियां भी सुनाई देती हुई, तो इनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। और अब हम बढ़ते हैं इनकी तरफ। तो ये हमारे बीच में नमस्कार श्री अनिल रतोड़ी जी हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। आज भी आप यहाँ पर आए हैं, इस स्थान के बारे में क्या बताना चाहेंगे, किस लिए स्थान प्रसिद्ध है, तो थोड़ा बताएं यहाँ के बारे में। यहाँ पर जो है, जब गोरखाओं ने बहुत आतंक मचा लिया था, तो हमारे गढ़वाल के राजा ने अंग्रेजों के साथ मिलकर गोरखाओं में यहाँ पर बड़े अच्छे से दमन किया था, तो इसलिए जगह जो है स्मारक के रूप में। अच्छा, तो और क्या यहाँ इस स्थान के बारे में विशेष क्या बताना चाहेंगे आप? विशेष कुछ नहीं, बस गोरखाओं से आतंक से मुक्ति मिली इस स्थान से, यही कहीं ना कहीं मतलब एक ऐतिहासिक स्थान के बारे में ये वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, कई बार आते रहते हैं यहाँ पर, और कहीं जैसे उनके हाथों में बहुत बांसुरी दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से कुछ संगीतिक धुनिया भी हैं हमें यहाँ पे भी सुनने को मिलेंगी। तो इसी बीच ये स्मारक को दिखाते हुए देखिए कि जिस स्मारक की बात कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं शिखर पर आप किस तरीके से आपको स्मारक नज़र आ रहा है। तो ये बेहतरीन स्मारक आपको यहाँ पर आपने देखा अभी अभी, और आइए आपको स्मारक के और निकट ले आए। ये सीढ़ियाँ हैं स्मारक तक जाने की, और सीढ़ी दर सीढ़ी जब हम स्मारक की तरफ को बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं काफी ऊंचा स्मारक। त्रिभुजाकार रूप में यहाँ पे बनाया गया है, और आप देख सकते हैं ऊंचाई पर यह स्मारक यहाँ पर, तो बेहतरीन स्मारक का आपने यहाँ पे अभी अभी नज़ारा देखा। तो ये था आपका स्मारक, तो आपको कैसा लगा आप अवश्य जानकारी हमें दीजिएगा, और शीघ्र ही हम आपसे मिलेंगे पुनः एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।